गुस्ले जनाबत का तरीका। हजरत मैमूना रजी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल का इरादा फरमाया तो सबसे पहले दोनों हाथ धोए। ये गुस्ले जनाबत यानी नापाक जब इंसान हो जाए तो उसके बाद पाक होने के लिए जो गुस्ल करना है उसका तरीका। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले अपने हाथ धोए। हाथ क्यों धोए? क्योंकि बाकी काम सब हाथों से ही करता है इंसान, तो अगर सफाई करने वाले टूल साफ नहीं तो सफाई कहाँ होगी। फिर शर्मगाह को धोया यानी इस्तंजा किया। फिर बायां हाथ जिससे शर्मगाह को धोया था यानी इस्तंजा किया था जमीन पर रगड़ा, फिर उसको धोया। जमीन पर क्यों रगड़ा? इसलिए उस जमाने में साबुन इस तरह अवेलेबल नहीं होता था, तो मट्टी पाक करने वाली होती है। मट्टी के अंदर ऐसी सलाहियत होती है जो जर्म्स को किल कर देती। तो अगर आज आपके पास साबुन है तो उसके लिए जरूरी नहीं कि आप मट्टी पर ही हाथ रख दें। क्या आप परेशान हो कि हमारे वॉशरूम में तो टाइल्स लगी हुई हैं और मट्टी नहीं है तो क्या हमारा गुस्ल नहीं होगा? तो उसका अल्टरनेट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर कुल्ली की और नाक में पानी डाला, फिर चेहरा धोया, फिर कोहनियों तक हाथ धोए, फिर सर पे पानी डाला और बालों की जड़ों तक पानी पहुंचाया। यानी सिर्फ पानी डाला ही नहीं बल्कि मल के सर को बालों के जड़ यानी जहां से बाल उगते हैं उस सारे हिस्से को खूब तर किया। तीन बार सर पर पानी डाला, फिर तमाम बदन पर पानी डाला। यानी पहले सर पे तीन बार डाल के उसको सारा धो डाला, फिर पूरे जिस्म पर पानी डाला, फिर जहां आपने गुस्ल किया था उस जगह से हटकर पांव धोए। तो इसका मतलब है कि बाकी वजू आपने शुरू में कर लिया और पांव धोने का अमल बिल्कुल आखिर में किया। हाफिज इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं किसी हदीस में गुस्ल जनाबत का वजू करते वक्त सर के मसे का जिक्र नहीं। क्यों? इसलिए कि सर धो जो लिया जाता है। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा और हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ल जनाबत में वजू का जिक्र करते हुए फरमाते हैं कि आपने सर का मसा नहीं किया बल्कि उस पर पानी डाला। इमाम नसाई ने इस हदीस पर यह बाब बांधा है जनाबत के वजू में सर के मसा को तर्क करना। इमाम अबू दाऊद फरमाते हैं मैंने इमाम अहमद से सवाल किया कि जुम्बी जब गुस्ल से कबल वजू करे तो क्या सर का मसा भी करे? जुम्बी यानी जिसको हालत जनाबत लाहक हुई है, नापाक है, जब गुस्ल से कबल वजू करे तो क्या सर का भी मसा करे? आपने फरमाया वो मसा किस लिए करे जबकि वो अपने सर पर पानी डालेगा। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा मैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बर्तन से नहाते और दोनों उससे चुल्लू भर भर कर लेते थे। यानी आज के दौर में तो आपके पास मग हैं और बहुत सी सहूलतें हैं, तो उस दौर में चुल्लू से पानी लेकर अपने ऊपर डाल लेते थे। इससे क्या पता चलता है कि अल्लाह ने इंसान को अक्ल दी है, इंसान तदबीर करे। अब आपको मसलन नहाने की जरूरत है, आप वॉशरूम में गए हैं, किसी कहीं मुसाफिर हैं, वहां सिर्फ पानी की बाल्टी तो है लेकिन पानी निकालने वाली कोई चीज नहीं, तो आप रोते हुए बाहर आ जाए तो मैं तो आज गुस्ल ही नहीं कर सकती क्योंकि मग्गा ही नहीं है। तो नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका देखिए कि चुल्लू भर के एक हाथ से या लब भर के दो हाथों से डाल के गुस्ल कर लेते। गुस्ल पर्दे में करना चाहिए। सुभानक اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك।